बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, फातिमा किचन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों की मीठी रोटी। चावलों का मैंने आटा लिया है, साथ जाएगी इसकी चीनी इसमें ज़रूरत, थोड़ा सा मीठा सोडा जाएगा और थोड़ा सा ही नमक जाएगा, घी जाएगा इसको फ्राई करने के लिए, और जिस चीज़ से मिक्स करेंगे वो है दूध। दूध मैंने गर्म लिया है और इसके साथ ही हम मिक्स करेंगे। चीनी डाल देंगे, एक डेढ़ कप के करीब मैंने आटा लिया है और 3 से 4 चम्मच की चीनी की है, तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इस तरह कम से कम 10 मिनट मैंने लगाए हैं। इस तरह सा थोड़ा सा नरम नरम करना, ये देखिए एक तार जैसी होगी। इस तरह करते जाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस तरह करने के बाद इस शक्ल में आ गया। 10 मिनट रखने के बाद फ्राई पैन मैंने उस पर रख दिया चूल्हे पे और ऑयल उसके अंदर डाल दिया है। अब ये आटा इसके अंदर डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरह का बर्तन लेंगे और इसमें इस तरह डालेंगे और यूँ आस्ता आस्ता से बड़ी करते जाएंगे। आँच नीचे थोड़ी कम कर लें, इस तरह से थोड़ा सा और आटा डालेंगे और एक गोल सी रोटी बना देंगे। आप चाहे तो बड़ा फ्राई पैन ले लें, इस तरह इसको कर देंगे और इसे एक तरफ से पकने देंगे। आप तवे पे भी बना सकते हैं लेकिन फ्राई पैन में इजी बन जाती है। एक तरफ से मैंने पलट दिया, ये देखिए एक तरफ से पक गया। अब दूसरी तरफ से पकना, थोड़ा सा घी और डालेंगे एक तरफ से ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। चावलों का बेहतरीन है, अगर आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ भी गूंथ सकते हैं, जैसे कि दूसरा घर का आटा गूंथते हैं उससे भी रोटी पक जाती है, तो उसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप इस तरह बनाएं तो ज़्यादा ईजी बन जाती है। और जो लोग जिन इलाकों में ये चावलों का आटा खाया जाता है वो बेहतरीन सा बना लेते हैं। क्योंकि मैंने मीठी बनाई है तो मीठी जो होती है ये थोड़ी मुश्किल होती है, टूट जाता है। आप फ्राई पैन में बनाएं तो ये बेहतरीन बन जाती है और निकालनी और पलटनी आसान होती है। आप इस तरह से आस्ता आस्ता हलाते जाएं और अच्छी तरह ये पक जाए। इस तरह हमारी 3 रोटियां तैयार हो चुकी हैं। यूँ आराम से निकालें और यूँ रख लें। 3 रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। 1 कप 1.5 कप के तकरीबन ये चावलों का आटा लिया मैंने और उसमें गर्म मैंने दूध डाला, साथ ही चीनी डाल दी, साथ उसके थोड़ा सा मीठा सोडा, साथ ही डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक हसबे जायके के लिए। तो इसके ऊपर जाएगा अब थोड़ा सा जैम। ये जैम लगाएं और मीठी रोटी चाय के साथ इस्तेमाल करें, बेहतरीन से जायका इसका बहुत अच्छी बनती है। बनाएं और बताएं कि कैसी बनी। तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।